जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबको हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट ने दोस्तों SSC MTS और हवलदार को एग्ज़ाम दिया हुआ है, चाहे दोस्तों आपका पहले जो शिफ्ट मई में हुई थी या फिर जून में हुई थी, दोस्तों दोनों में आप जिस शिफ्ट में भी आप एग्ज़ाम में दिए हैं दोस्तों, आपका आंसर की आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आप सबको देने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, और जो भी कैंडिडेट दोस्तों अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फिल करनी होती है, यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर फिल करनी होती है, और दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करनी होती है, जो कि दोस्तों आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहती है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही दोस्तों यहां पर पासवर्ड रहने वाला है। चलिए दोस्तों सारा कुछ हम बता देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप SSC की ऑफिशियल साइट पर आएंगे, यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको एंसर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंसर की आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है, जितने भी दोस्तों आंसर की यहाँ पर अपलोड की जाती है, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लेकिन दोस्तों बात करें, अभी तक SSC MTS का आंसर की रिलीज नहीं किया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि आज ही इसका आंसर की रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका आंसर की रिलीज नहीं किया गया है। आप वेट कीजिए, आज दोस्तों हो सकता है कि आज अपलोड कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से हम आपको बता दें कि आज आपका आंसर की अपलोड नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग दोस्तों 30 या फिर दोस्तों 30 तारीख के बाद ही आपका आंसर की देखने के लिए मिलेगा। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, जो कि दोस्तों हम आपको चलिए प्रूफ के साथ भी हम आपको दिखा देते हैं आखिरकार हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों SSC के अंदर जितने भी आंसर की रिलीज की जाती है, 10 से 12 दिन के अंदर ही दोस्तों आंसर की रिलीज की जाती है। दोस्तों इससे लगभग दोस्तों 4 से 5 दिन के अंदर में ही आपको आंसर की कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता है। SSC के अंदर लगभग दोस्तों 10 से 12 दिन टाइम लग ही जाता है। देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि CHSL का दोस्तों Tier 1 का आंसर की रिलीज किया गया था। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2/6/2023 को दोस्तों इसका आंसर की रिलीज किया गया है, और इसका एग्जाम जो कंडक्ट हुई थी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट बताया जा रहा है कि 19/5/2023। तो दोस्तों यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, लगभग कितना दिन का गैप है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 11 दिन का गैप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह की दोस्तों हर एक एग्जाम SSC के अंदर जितने भी कंडक्ट होती है, दोस्तों SSC के अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होती है, लगभग दोस्तों आंसर की रिलीज करने में 10 से 12 दिन का टाइम ले ही लेती है। तो दोस्तों 20 दोस्तों बात करें तो 20 जून की इसकी लास्ट एग्जाम हुई थी। तो दोस्तों अनुमान के आप लगा सकते हैं कि आपका 10 लगभग दोस्तों 30 तारीख तक हो सकता है, फिर उससे 1-2 दिन पहले ही आपका रिलीज हो जाए। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से लगता है कि आज इसका आंसर की देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आंसर की रिलीज होगी, यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही दोस्तों हम SI का आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही दोस्तों इस पर इसी तरह का आपको भी MTS का भी डाउनलोड करनी है, इसी तरह का दोस्तों PDF जैसे ही आप MTS का डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा, जहाँ की दोस्तों आपका CPF यहाँ पर SI का आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह वहाँ पर भी दोस्तों लिंक मिलता है, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करनी होती है और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पर फिल कीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों और भी अपडेट आ जाती है, अगर MTS की दोस्तों आंसर के रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।